सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी, अन्य पर क्यों नहीं? देखिए, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है और कानून बनाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसको बिगाड़ा भी जाता है, हटाया भी जाता है, नए कानून लगाए जाते हैं। तो भारत में जो कानून बने हैं औषधि संबंधित, तो ये जो कानून बनाए गए हैं ये अंग्रेजों के समय से ही बने हुए हैं और अंग्रेजों ने या उनके प्रभाव वालों ने, बड़ी बड़ी मेडिकल जो कंपनियां थी एलोपैथ की, उन लोगों ने अपने अनुसार कानून बनवा लिए। पहले अंग्रेजों से बनवा लिए, फिर यहाँ अपने प्रभाव से बना लिए। भारत की जो औषधि थी, भारत का औषधि साहित्य या औषधि क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हुआ है वह, या यहाँ की जो औषधियां वह, तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए उसकी साजिश शुरू से होती रही है, प्रयास से नहीं। और साजिश इतनी हुई कि यहाँ के जो आयुर्वेद का जो सिस्टम है, प्राकृतिक चिकित्सा का और मर्म चिकित्सा और दूसरी जो झाड़ फूक चिकित्सा जो यहाँ पर थी, रेकी चिकित्सा जो कहते हैं, तो इस प्रकार की जो चिकित्सा थी, योग द्वारा जो चिकित्सा होती थी, तो इन सबको जो है कैसे समाप्त किया जाए, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से योजना बनाई पश्चिम देश के लोगों ने और उन्होंने बहुत हद तक सफलता भी पाई, कानून भी बनवाए, यहाँ तक कि आयुर्वेद के डॉक्टर को सर्जरी करने की छूट नहीं मिली। ये तो अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ मिली है, तो सर्जरी करने को अलाव नहीं था, जबकि सर्जरी यहाँ पर होती थी, आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी करते थे, तो उनको पाबंद कर दिया, उनको दोयम दर्जे की चिकित्सा पद्धति घोषित करने की स्कीम पर काम हुआ। तो उसमें से जैसे मान लीजिए कि कुछ दवाओं की लिस्ट बनी कि भाई ये दवा चलाई जाएगी, ये नहीं चलाई जाएगी, कुछ बीमारियों की लिस्ट हुई कि ये बीमारी जो है वह बीमारी लाइलाज बीमारी है, तो जो लाइलाज बीमारी है तो उसको कोई चिकित्सा नहीं कर सकता। ये कौन सी बात हो गई कि लाइलाज बीमारी, अगर एक चिकित्सा पद्धति के हिसाब से कोई लाइलाज बीमारी है तो दूसरी चिकित्सा पद्धति वाले भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते? ये तो जबरदस्ती का कानून बना देना हुआ, किसी को रोक देना हुआ। तो अब जो लाइलाज बीमारी जिसको घोषित किया हुआ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, IMA ने, उसको अगर कोई उसको ठीक करने की कोशिश करे तो वो गलत है। तो आज का कानून तो इस हिसाब से बनाया गया। तो रामदेव महाराज ने जो दवा विकसित की, तो उन्होंने उसका विज्ञापन भी किया और उसको ठीक करने का दावा भी किया, और उनका कहते हैं हम लोगों ने इस पर प्रयोग भी किए हैं, हमारे अनुसंधान हैं और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी है। तो उन्होंने उसका इलाज किया, लेकिन आज के कानून के हिसाब से देखें तो उसका विज्ञापन करना, यह दावा करना, यह उचित नहीं है, वह दंडनीय अपराध है। तो उसके कारण जो है उनको दंड दिया गया। लेकिन रामदेव महाराज ने जो प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न तो सही है कि भाई आपके यहाँ
अगर वह इलाज नहीं हो सकता है तो दूसरे के यहाँ क्यों नहीं होगा? क्यों आप रोक देंगे उस बीमारी को ही इलाज करने को? कोई ठीक कर सकता है तो करे। तो अब कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको लाइलाज बीमारी को अगर आप मानते हैं कि आपको ठीक करना है, तो पहले आप उसका जो प्रॉपर चैनल है उसको सिद्ध कीजिए, वैज्ञानिकों के बीच में, डॉक्टरों के मध्य में उसको ठीक कीजिए, और उसको सरकार को कहिए कि इस विषय पर कानून बनाए, और उसका डॉक्यूमेंट सारा जो है शोध का वो दीजिए, और जो कानून बदल देंगे तब फिर जो है आप दवा निकाल करके और तब जो है आप विज्ञापन करके उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर रामदेव महाराज को माफी मांगने के लिए कहा गया, और उन्होंने माफी भी मांगा। माफीनामा कोर्ट ने कहा कि छोटा है तो बड़ा करो उसको, तो उन्होंने बड़ा भी किया, कई अखबारों में उन्होंने निकाला। लेकिन IMA जो है वह इसमें जो रामदेव को एक तरह से रगड़ देना चाह रहे थे, तो इस बार IMA वाले भी फंस गए, और इस कोर्ट ने कहा कि इन सब की ये जांच होगी कि इतनी दवाएं जो हैं इतनी महंगी क्यों हैं। और बिल्कुल सही बात है, सिर्फ दवाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चीज जो भारत में बनती हैं या बाहर से आती हैं उसमें यह अवश्य ही लिखा जाना चाहिए कि यह दवा बनी कितने में, लागत मूल्य इसका क्या है, लागत मूल्य लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह जो खरीदने वाला है उसका अधिकार है यह जाने कि इसमें लागत क्या है और कितना प्रतिशत लाभ लिया जा रहा है। अगर लागत 10 रुपये है तो आप 1000 रुपया कैसे ले रहे हैं भाई? तो कोई कितना उसमें प्रॉफिट ले सकता है, इसको भी कोर्ट को निर्धारित करना चाहिए कि कितना प्रतिशत आप अधिकतम जो है मुनाफा ले सकते हैं। मनमाना आप नहीं ले सकते हैं कि आपने 2 रुपये की दवा बना करके आप 2000 में बेच रहे हैं दवा को, मनमाना छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन कंपनियों ने मनमाना छूट लिया हुआ है और लागत मूल्य कभी नहीं लिखते कि इसकी लागत मूल्य कितना है। तो हर दवा में लागत मूल्य भी लिखा जाना चाहिए कि इसकी लागत मूल्य इतना है, इसमें टैक्स इतना दिया जा रहा है, और इससे ये ग्राहक से इतना दिया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दिया जाएगा, कितना प्रतिशत, उतना सबको ये है फिक्स कर दिया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता होनी जरूरी है। यह नहीं किया गया है तो यह अनिवार्य चीज है, इसको किया जाना चाहिए। जो अन्य डॉक्टर हैं, कोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा फीस कैसे लेते हैं, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर इतनी इतनी फीस ले रहे हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं, और दवा के नाम पर लूटते हैं। अब जिसकी जान फंसी हुई है वो अपना घर द्वार बेच करके, जगह जमीन बेच करके, अपनी जमा पूंजी बेच करके, गहने बेच करके उपचार करा रहा, तो यह अनिवार्य है बताना, कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। ये मेरी तरफ से यह समाधान है, इसका रिक्वेस्ट है, और इस पर विचार करना चाहिए कि लागत मूल्य कितनी है यह लिखा जाना चाहिए हर प्रोडक्ट पर, या वो दवा का ही प्रोडक्ट नहीं चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ताकि पता चले कि कितने लूट चल रही है। और मनमाना आप नहीं कर सकते, सिर्फ पता ही नहीं बल्कि कोर्ट को यह निर्धारित करना चाहिए, सरकार को भी बाई लॉ एक लॉ लेके आना चाहिए, बाई लॉ इसको जो है पाबंद किया जाना चाहिए कि आप अमुक प्रतिशत से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो सबका जो लाभ प्रतिशत है वो भी निर्धारित होना चाहिए। तो अब नेशनल मेडिकल कमीशन है तो उसके ऊपर भी जांच बैठ रही है, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे सब बन रहे हैं और दवाइयां बन रही हैं इसमें कि बहुत ज्यादा रुपये लिए जा रहे हैं, और जब पेशेंट विपत्ति में होता है या पेशेंट को बता दिया जाता है, साधारण लोगों को भी विपत्ति बता करके, इमरजेंसी बता करके उसे बहुत पैसे लिए जाते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा लूट खसोट है। छोटी छोटी जो दवाएं हैं उसकी बहुत कीमत रख दी जाती है और मरीज लेने के लिए बाध्य हो जाता है। ये डॉक्टर लिखते भी हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि वो दवाएं जो है उन्हीं कंपनियों का लिखते हैं जो खुद अपने मेडिकल स्टोर पर रखते हैं, या अपने बगल वाला कोई मेडिकल खोला हुआ है उस पर रखते हैं, उसी पर मिलता है, कहीं और आपको नहीं मिलेगा, किसी और जगह जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरह से
कॉन्स्टिट्यूएंट तो उसका कंपोनेंट जो है वो तो रहता है सेम, लेकिन ब्रांड नेम उसका बदला रहता है कंपनी का नाम, और आम आदमी तो वो जानता नहीं है, तो वो दवा वहीं पर मिलेगी। तो इस तरह से जो इन लोग की लूट खसोट की जो बहुत बड़ा एक तरह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत लंबा चौड़ा गिरोह है, इन्होंने काफी फायदा भी उठाया कोरोना काल में, बहुत फायदा उठाया, सब बंद था लेकिन ये खुले थे तो इसमें खूब लूटा, और इनका इनकी लूट बराबर चल रही है, इनके ऊपर पाबंदी बहुत जरूरी है। और पाबंदी इसी अर्थ में है कि इनकी दवाओं की भी जांच हो और इनके इफेक्टिवनेस की भी जांच हो, और वह भी निर्धारित किया जाए कि भाई कितना प्रतिशत तक अगर आपका इफेक्ट है तो ही आप उसको बना सकते हैं और बेच सकते हैं। या नहीं कि कुछ भी दवा दिए जा रहे हैं चाहे प्रभावी हो या ना प्रभावी हो, रामदेव महाराज जी का क्लेम सही था, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो तो ये झूठ मूठ का खिला रहे हैं, ये सूडो साइंस है, वास्तविक साइंस है नहीं, खिला रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये खिला दिए, उसके बाद फिर आप गए कुछ दिन के बाद तो नहीं अब ये दवा ले लो, बदल दिए, दवा क्यों बदल रहे हैं बार बार, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो दवा है ये कुछ बहुत सारी फर्जी दवाएं हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं है, हम मरीज को लंबा खींचते हो, बीमारी तब तक और बहुत बढ़ जाती है। तो दवा का इफेक्टिवनेस यह भी कोर्ट में वो होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस अगर 50% से ज्यादा नहीं है तो उस दवा को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, उसको बना नहीं सकते आप, 50% से ऊपर ही अगर हो रहा है तो चलो ठीक है आप प्रयोगवश उस दवा को दीजिए, लेकिन ऐसी ऐसी दवाएं हैं जिसका कि इफेक्टिवनेस जो है 5% 10% भी नहीं है और उसको तुक्का में ही दिए जा रहे हैं, कंपनियां उसको ढकेल रही हैं, डॉक्टरों को कमीशन दिया जाता है खूब, डॉक्टर उन दवाओं को लिख देते हैं, मरीज ठीक हो या ना हो, तो यह फंडामेंटल राइट है लोगों का कि आप उन्हें इस तरह से नहीं रोक सकते, जीने का अधिकार है सबको, और जीने के अधिकार के तहत यह भी आता है कि वह विभिन्न चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपना उपचार कराए और उसके उपचार की गारंटी भी सुनिश्चित किया जाए जिसने उपचार का वो धंधा खोल रखा है कि कितना इफेक्टिवनेस है, तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के लिए ही बाबा रामदेव ने आवाज उठाई है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ उन्होंने वह ठीक काम किया है, और इसी बहाने यह जो है इस पर एक सुधार हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा देश के लिए। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि इफेक्टिवनेस की जांच उसकी हो जाए, और दूसरी बात जो है अगर 50% से कम हो तो उसको उस दवा को नहीं बनने दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि इसकी लागत क्या है और उसके हिसाब से जो है इसको एक निश्चित फिक्स किया जाए कि भाई आप 50% ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, और क्या करेंगे आप, यह नहीं आगे आप कई हजारों गुना आप नहीं ले सकते हैं, तो यह निर्धारित किया जाए कि कितना जो है वह ले सकता है, और सब कुछ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि आप लागत मूल्य क्या है, आप टैक्स कितना अदा कर रहे हैं और लाभ कितना दे रहे हैं। तो हरिओम।